Welcome to CR International School Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे ज्योग्राफी का, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, इसी को ही हम आज कंटिन्यू करेंगे. ज्योग्राफी का है ये चैप्टर हमारा. हमने बात की थी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसे 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज फॉरेस्ट, सेकेंड इज ग्रास लैंड एंड थर्ड इज श्रब्स. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट की. फॉरेस्ट भी जो है कई भागों में डिवाइड है. ट्रॉपिकल, देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एंड टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट शीतोष्णकटिबंधीय पतझड़ वन. मेडिटेरियन वेजिटेशन यानी कि भूमध्य सागर के नजदीक पाई जाने वाली वनस्पति एंड द कॉनिफेरस फॉरेस्ट शंकुधारी वन है वे. ठीक है, आज हम इनमें से बात करेंगे इन चार के बारे में. ये जो चार है ये आज हम डिस्कस करेंगे और बाकी के कल दो हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की. देखिए दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं. दो नाम हो गए इनके, उष्णकटिबंधीय एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सॉरी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन. दीज थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक. दीज थिक फॉरेस्ट, ये जो घने जंगल हैं, अगर इन द रीजन नियर द इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स और उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं. दीज रीजन्स आर हॉट, ये जो क्षेत्र हैं, ये रीजन्स मैंने क्षेत्र, ये बहुत गर्म प्रदेश है एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और पूरे के पूरे वर्ष बहुत ज्यादा भारी वर्षा को प्राप्त करते हैं. एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन, यहाँ पर कोई ड्राई सीजन यानी कि शुष्क मौसम होता ही नहीं है, इसलिए द ट्रीज डोंट शेड देयर लीव्स ऑल टूगेदर, इसीलिए यहाँ के जो पेड़ हैं वो कभी भी अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराते. मीन्स यहाँ पर कई वैरायटी के पेड़ पाए जाते हैं और इनमें से अलग अलग पेड़ों की पत्तियों को गिराने का समय भी अलग अलग है. इसीलिए जैसे हमारे यहाँ पर आप देखते हैं जो पतझड़ का मौसम आता है तो सभी पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं है. कुछ पेड़ों की जो वैरायटी है वो एक मौसम में अपनी पत्तियों को गिराती हैं तो कोई दूसरे में. इस कारण ये जंगल कभी खाली दिखते ही नहीं, हरे भरे दिखते हैं, क्योंकि डेंस तो ये है ही, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द रीजन, यही वो कारण है दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, की इन्हें एवरग्रीन कहा जाता है. द थिक कोनोपाइज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डोंट allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. There are thick conopies of the closely spaced tree. ये जो पास पास पेड़ हैं और इनकी जो मोटी वितान है पेड़ों की, उसके कारण ये सूर्य की लाइट को भी दिन के समय जंगल के अंदर तक नहीं आने देती. पेड़ इतने घने हैं, इतनी मोटी वितान है कि सूर्य का प्रकाश भी जंगल के इनको पार कर जंगल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता. हार्डवुड ट्रीज, जो कठोर लकड़ी वाले पेड़ हैं, लाइक रोजवुड, इबोनी, महोगनी और कॉमन हेयर, ये यहाँ पर पाए जाने वाले इम्पोर्टेंट ट्रीज हैं. देखिए जंगल कितना गहरा है, ये पिक यहाँ दिखाई गई है, ये है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. देखिए कितना घना जंगल है. इतने घने जंगल में से यदि कुछ पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा भी देंगे तो भी ये जंगल संपूर्ण रूप से हरा भरा ही दिखेगा. ठीक है, अलग अलग समय पे पत्तियां गिराते हैं, ये तो मैंने बताया ही है आपको. और यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्ष हैं रोजवुड, इबोनी, महागोनी. ठीक है, ये यहाँ पर मेन है और ये इतने घने हैं कि दिन के समय सूर्य का प्रकाश भी जंगल के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है. ठीक है, अब देखिए ये एक बॉक्स दे रखा है,
The tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that it is like the lungs of the earth. Can you tell why? कि जो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है जो ब्राजील का इज सो एनॉर्मस, वो बहुत ज्यादा घना है, इसीलिए उसे पृथ्वी के लंग्स यानी फेफड़े कहा जाता है। कैन यू टेल व्हाई, क्या बता सकते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि बेटा जैसे कि हमारे लंग्स हैं वो हमें सांस लेने में मदद करते हैं, ठीक है, हमारी हम सांस लेते हैं तो लंग्स के माध्यम से लेते हैं, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी के ये लंग्स है, मीन्स हमारी पृथ्वी को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसके कारण मानव जाति यहाँ पर इजीली सांस ले सकती है और जीवित रह सकती है, इसीलिए इन जंगलों को हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। फिर देखिए एक बॉक्स और दे रखा है यहाँ पर, डू यू नो, के वाला देख रहे हैं आप, डू यू नो एनाकोंडा वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एनाकोंडा जो विश्व का सबसे बड़ा सांप है वो भी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल, ये बड़े से बड़े जानवर को मार भी सकता है और उसे खा भी सकता है, सच एज अ क्रोकोडाइल, जैसे कि एक मगरमच्छ, मीन्स ये इतना बड़ा स्नैक है कि एक मगरमच्छ को मारकर भी खा सकता है। आगे हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की, मीन्स उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जो अपने पत्तों को एक ही समय पर गिराते हैं, ये वो वन है। देखिए ट्रॉपिकल डेसिडियस आर कॉमन फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया। जो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है या मानसून वन भी कहा जाता है, नहीं मानसूनी वन भी कहा जाता है, ये भारत के एक बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, एंड इन द सेंट्रल अमेरिका और अमेरिका के सेंट्रल पार्ट में भी पाए जाते हैं। ये पिक्चर दिखा रखा है इसका फिगर 6.4 के अंदर, ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के ये पिक्चर दिखा रखा है जंगल का, ठीक है। देखिए दीज रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंज, यहाँ पर इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। ट्री शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर, और जो यहाँ के इन पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो ड्राई सीजन में शुष्क मौसम आने पर अपनी पत्तियों को गिरा देती हैं। ये जो पेड़ है अपनी पत्तियों को, ट्री शेड देयर लीव्स इन, ये जो पेड़ है मानसूनी वन के, ये पतझड़ का मौसम आने पर या शुष्क मौसम आने पर अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, टू कंजर्व वाटर, वाटर को संरक्षित करने के लिए, जल को बचाए रखने के लिए ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट, यहाँ पर भी हार्डवुड ट्रीज मतलब कठोर लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं, आर साल, टीक, नीम एंड शीशम, ठीक है। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ये जो हार्डवुड ट्रीज है एक्सट्रीमली यूजफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट की चीजें बनाने के लिए, अंडर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और कोई इमारत बनाने के लिए जिन मटेरियल्स की लकड़ी की जरूरत पड़ती है वो भी इन्हीं पेड़ों की लकड़ी का यूज करते हैं। टाइगर, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मॉन्कीज आर द कॉमन एनिमल ऑफ दीज रीजन, ये इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले कॉमन एनिमल है। देखिए इनका भी पिक्चर दिखा रखा है फिगर 6.5, 6.6 एंड 6.8 में। देखिए ये 6.5 है, ये टाइगर है, ठीक है, ये देखिए 6.6 है, ये गोल्डन लंगूर है, एंड 6.8 है ये आपका एलिफेंट है, ठीक है। देखिए आगे अब हम बात करते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की, मींस जो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है वे। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन, कि जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, ये जो मिड लैटिट्यूडनल मतलब कोस्टल रीजन, जो तटीय प्रदेशों का मिड लैटिट्यूड है वहां पर पाया जाता है, मध्य जो अक्षांश है वहां पर। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट, इन द साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना, इन साउथ ईस्ट ब्राजील, कि ये ईस्ट यूएसए की पूर्वी यूएसए, दक्षिणी चाइना और दक्षिण पूर्वी जो ब्राजील है उसके पूर्वी भागों में, पूर्वी जो मार्जिन है ना वहां पर पाए जाते हैं ये वाले
जंगल दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड, यहाँ पर दोनों ही प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, हार्डवुड के पेड़ भी पाए जाते हैं और सॉफ्ट वुड वाले भी लाइक ओक पाइन एंड यूकेलिप्टस। यहाँ पर पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं ये उनके नाम हैं ओक पाइन एंड यूकेलिप्टस। और जो एवरग्रीन में मिले थे वो थे रोजवुड, महोगनी, एबोनी, और ट्रॉपिकल डेसिडियस में थे टीक, साल, नीम, शीशम, और टेम्परेट एवरग्रीन के हो गए आपके ओक, यूकेलिप्टस, पाइन एक्सेट्रा। देखिए ये पिक्चर भी दे रखा है, द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, देख रहे हैं ये टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का पिक्चर यहाँ पर दे रखा है। आगे देखिए टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट मीन शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड, जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं, दे आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, तो वहां पर बहुत ज्यादा हमें शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन मिलते हैं। दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली, एंड फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। कह रहे कि ये हमें सबसे ज्यादा उत्तरी पूर्वी यूएसए के भाग में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, चिली में, और कोस्टल रीजन जो तटीय प्रदेश है वेस्टर्न यूरोप का, वहां पर पाए जाते हैं। दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, शुष्क मौसम आने पर ये पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। एंड द कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, बीच एक्सेट्रा। डियर, फॉक्सेस, वोल्व्स आर द एनिमल कॉमनली फाउंड, कि डियर, फॉक्स, वोल्व मतलब कि हिरन, लोमड़ियां और जो वोल्फ जो भेड़िए हैं, यहाँ पर पाए जाने वाले कॉमन एनिमल्स हैं। बर्ड्स लाइक फीजेंट्स, मोनल्स आर फाउंड हेयर, और यहाँ पर पाए जाने वाले जो फेमस बर्ड हैं वो फीजेंट्स और मोनल्स हैं। देखिए फीजेंट्स और मोनल्स का भी यहाँ पर पिक्चर दे रखा है, देखिए ये फीजेंट्स का पिक्चर है और ये देखिए फीजेंट्स है, कैसा बर्ड है देखिए, और ये मोनल्स है, ब्लू कलर का दिख रहा है आपको ये, और ये इसका पिक्चर है देखिए, इतना घना नहीं है ये जंगल, द टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है बेटा, आज हमने फॉरेस्ट की इन सिक्स कैटेगरीज में से फोर कैटेगरीज को हमने रीड कर लिया है, इसके आगे की जो टू कैटेगरीज है उसे हम कल रीड करेंगे। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए और इसके बेटा काफी शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, उनको फाइंड आउट करो और अपनी नोटबुक के अंदर, कौन सी रफ नोटबुक के अंदर लिखिए, इसके आगे हम कल डिस्कस करते हैं। ओके।